खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वक्त हो गया है न्यूज टॉप 9 का। ज़ेलेंस्की की ड्रोन फौज ने मॉस्को को फिर दिलाया। सुमी में अचानक क्यों आक्रामक हुई पुतिन की सेना। बैटलफील्ड से जुड़ी बड़ी खबरों का अपडेट रूस यूक्रेन टॉप 9 में। मॉस्को में ऑयल रिफाइनरी पर प्रचंड हमला हुआ। यूक्रेन ने इस बार रूस की बड़ी रिफाइनरियों में से एक पर ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेनी किलर ड्रोन के हमले से रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। हमले से पहले यूक्रेनी ड्रोन आसमान में नजर आया। रूस का मॉस्को एक बार फिर यूक्रेन के ड्रोन हमलों से दहल गया। आसपास के कई शहरों में भी रात भर यूक्रेन से विध्वंसक हमले होते रहे। रूसी मीडिया 150 से ज्यादा ड्रोन हमलों का दावा कर रही है। रिफाइनरी पर हमले के बाद मॉस्को से कई उड़ानें रोक दी गई। रूस के मॉस्को पर यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला बोला। मॉस्को नदी के किनारे सरकारी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। इमारत पर ड्रोन से हमले की आशंका है। आग बुझाने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान धमाके की आवाज और धुएं के गुबार से दहशत कायम रहा। मॉस्को के पास पहली बार यूक्रेन ने रूस के गैस फील्ड को निशाना बनाया। कोनाकोवो पावर प्लांट पर ड्रोन से अटैक के बाद भीषण आग लग गई। धुएं का गुबार दूर तक देखा गया। पावर प्लांट के अलावा यूक्रेन ने टेवर इलाके में कई हमले किए जिससे भारी नुकसान हुआ है। मॉस्को के पोडोल्स्क में भी ड्रोन हमलों से हड़कंप मच गया। रात भर शहर के अलग अलग क्षेत्रों से धमाके की गूंज सुनाई देती रही। हालांकि रूस की डिफेंस फोर्स ने कई यूक्रेनी हमलों को नाकाम करने का दावा किया। एक अस्पताल के भी क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। रूस के मॉस्को समेत 10 शहरों पर यूक्रेन ने विनाशक हमले किए। पोडोल्स्क के अलावा बेलगोरोद, ब्रियांस्क और वोरोनिश में सबसे ज्यादा अटैक हुए। इस दौरान रूसी डिफेंस फोर्स ने 36 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर उन्हें हवा में ही तबाह कर दिया। मॉस्को अटैक से बौखलाए रूस ने यूक्रेन के सूमी में जोरदार स्ट्राइक की। रूसी फाइटर जेट ने क्लस्टर म्यूनिशन और इस्कंदर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेनी सैन्य काफिले पर हुए हमले में 20 से ज्यादा आर्म्ड व्हीकल तबाह हो गए। 50 सैनिकों की मौत का भी दावा है। रूस ने आज यूक्रेन के कोराकोव में भी क्रूज मिसाइलों से हमले किए। यूक्रेन के थर्मल पावर स्टेशन और उसके आसपास के क्षेत्रों में 3 मिसाइलें दागी गई। फ्रंट लाइन से 15 किलोमीटर दूर कोराकोव में किए गए इन हमलों से कई शहरों में ब्लैकआउट का खतरा है। सुमी में एयर स्ट्राइक करने वाली रशियन फोर्स ने कुर्स्क के बॉर्डर इलाकों में जमकर कहर मचाया। Su-34 से बारूदी बौछार कर यूक्रेनी सैनिकों को भागने पर मजबूर कर दिया। दावे के मुताबिक एयर टू सर्फेस मिसाइलों से यूक्रेनी पोस्ट और सैन्य वाहन तबाह कर दिए गए।